बॉलीवुड ड्रामा क्वीन राखी सावंत और उनके पति आदिल दुर्रानी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। इन दोनों के बीच की कड़वाहट खुल के सामने आ गई है। यहाँ तक कि राखी सावंत ने अपने शौहर आदिल दुर्रानी के खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई है, जिसके बाद आदिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब राखी सावंत के भाई राकेश सावंत और खुद राखी सावंत ने मीडिया के सामने इस बारे में खुलकर बातचीत की। उन्होंने बताया कि आदिल राखी के साथ मारपीट करता था। यहां तक कि राखी सावंत के भाई ने राखी के शरीर पर लगे चोट के निशान की फोटोज मीडिया को दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स भी दिखाई। राखी सावंत ने पुलिस में शिकायत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आदिल दुर्रानी ने राखी सावंत से मिलने के लिए कहा और राखी सावंत ने उन्हें मना कर दिया। इसके बाद आदिल अगले दिन राखी सावंत को मारने पहुंच गए। राखी सावंत को उनके पति के साथ एक कैफे में देखा गया था, जिसमें आदिल उन्हें अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। यह वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा था कि शायद इन दोनों के बीच अब सब कुछ ठीक हो गया है। इस वीडियो के बारे में बात करते हुए राखी ने कहा कि खाना खिलाने से पैचअप नहीं होता। राखी के भाई राकेश सावंत ने भी मीडिया से बातचीत की। जो सोच रहे कि ये झूठ है, ये जो आपको चोट के निशान दिख रहे हैं, इसके बाद तुरंत, और देखिए ये तब कौन सी रात की बात है जब राखी सावंत का मम्मी की डेथ हुई थी, ये तब की बात है। और हमारी पूरी फैमिली उसी रात को उसने मारा, और बाद में राखी को हमारे जो भाई हैं राकेश भाई, इन्होंने मेडिकल के लिए भेजा क्योंकि इनको और भी चीजें देखनी थी यहाँ पे। मीडिया से बात करते हुए राकेश और उनके साथ नजर आए वाहिद ने हाथ पर चोट के निशान दिखाते हुए कहा कि यह चोट मामूली नहीं है। इसके बाद वाहिद ने राखी की एक और फोटो दिखाई, जिसमें गले के पास चोट के निशान नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को दिखाते हुए वाहिद ने कहा कि ये फोटो उस दिन की है जिस दिन राखी की मां की मौत हुई थी। इससे पहले सोशल मीडिया पर राखी और आदिल की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें आदिल राखी से खराब तरीके से बात करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि आदिल से धोखा खाने के बाद राखी काफी ज्यादा सदमे में नजर आ रही हैं। मीडिया से बात करने के दौरान राखी सावंत अचानक बेहोश हो गई, जिसके बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें पानी के छींटे मारकर कार में बैठाने की कोशिश की। राखी ने अपने पति आदिल पर आरोप लगाया है कि बिग बॉस मराठी में जाते हुए उन्होंने अपनी मां के इलाज के लिए आदिल को पैसे दिए थे, लेकिन उन्होंने उन पैसों का दुरुपयोग किया। इसके अलावा राखी ने आदिल को अपनी मां की मौत का जिम्मेदार भी ठहराया है। एक्ट्रेस के मुताबिक आदिल ने राखी की मां की सर्जरी के पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और उनका निधन हो गया। यही नहीं, राखी ने आदिल पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि आदिल का एक लड़की से अफेयर भी चल रहा है। राखी ने शिकायत में अपने पति पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद कल पुलिस आदिल को अंधेरी कोर्ट में पेश करेगी। इन्होंने मेडिकल के लिए भेजा क्योंकि इनको और भी चीजें देखनी थी यहाँ पे। राखी का मेडिकल रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रखूंगा, जहाँ पे साफ तौर पर ऊपर के अस्पताल के डॉक्टरों ने बोला कि कितना दरिंदगी से राखी को बेरहमी से मारा गया है। राखी को ऐसे तो जानवर को भी नहीं मारते। मैं वो रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखूंगा। और अब जो लोग हंस रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो ड्रामा क्वीन बोल रहे हैं इस लड़की को, उनके मुंह में ये तमाचा मारना चाहूंगा मैं कि क्या वो अपनी माँ बहनों से इस तरह की तकलीफें सहन करने को कहेंगे? कि क्या कोई उनकी माँ को, बहन को या बीवी को इस तरह से मार के जाएगा तो उसको ड्रामा क्वीन बोला जाएगा? बहुत रिप्लाई आ रही थी, बहुत चीज़ें आ रही थी कि भाई ये ड्रामा क्वीन है, ये तो ड्रामा चल रहा है, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई है शरीर पे मार्क्स। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह देखिए। मुझे लोग फोन कर रहे हैं, अरे राखी सावंत तो ड्रामा क्वीन है, वाहिद भाई आप कहाँ खड़े हैं? मुझे ये ड्रामा क्वीन है, मैं तो भाई हूँ, मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है। किसी के भी साथ ऐसा होगा तो हम खड़े रहेंगे उसके साथ। क्या कोई इंसान दूसरे इंसान को, एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह से मारता है? देखिए आप लोग, चलिए ये हो गया। मुझे लोग बोल रहे हैं, मुझे लोग बोल रहे हैं, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये राखी का किया हुआ नहीं है, ये आदिल का किया हुआ है, ये हकीकत है। और ये कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी माना है। मैं आपको उनके रिपोर्ट, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा।
ये देखिए और वो भी उस दिन के पास, जिस दिन माँ का देहांत हुआ कितना बहरम होगा वो। ये फोटोज हम मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमको लाना पड़ा। राखी ने कहा कि ये फोटो अब बहुत जरूरी होगी कि मीडिया के सामने लाया जाए और हकीकत पे एक मोहर लगाई जाए, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि राखी मजाक कर रही है, राखी सिर्फ ड्रामा क्वीन है। ड्रामा क्वीन नहीं है, इतनी बेरहमी से मारा है। क्या आप अपनी बेटियों को, माँ को अगर ऐसा देखोगे तो चुप रहोगे क्या? चलिए, ये कूपर हॉस्पिटल का ये रिपोर्ट है, ये भी देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ माँ के लिए चुप बैठी वो, अपना घर संभालने के लिए चुप बैठी वो। अब ये लोगों का मुंह चुप हो जाएगा ये देखकर कि जो कह रहे थे कि नहीं, राखी तो सिर्फ ड्रामा कर रही है, उसके साथ कोई मारपीट नहीं होती थी। ये डॉक्टर का रिपोर्ट है। अब ये आप लोग तय कीजिए कि ये सब होने के बाद राखी ने जो किया वो सही किया या गलत किया।